आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या बोल रही हूँ? सॉरी, वो म्यूट पे था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे थ्रेड से रिलेटेड जो अभी हमने देखा है, तो वो यहाँ पे क्लियर कर ले तो हम कोशिश करते हैं उसको रिजोल्व करने की, अदरवाइज जो है ना आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा शुभ भाई, इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट थ्रेड का यही है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, उस टाइम में कोई और फंक्शन अगर है तो हमारा वो इम्प्लीमेंट हो जाए। हाँ बिल्कुल, बेसिकली मेन थ्रेड यही है कि हम अपना टाइम सेव करें, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन जो 1 मिनट ले रही है ना पूरा चलने में, वो कम से कम टाइम ले। लेकिन ये जो जॉब होती है ना, ये इतनी आसान नहीं होती थ्रेड में कन्वर्ट करना, क्योंकि रिसोर्सिस को मैनेज करना एक बिग टास्क है। जो जब तक हमें पता नहीं ना होगा हमारा कंपाइलर का बिहेवियर कैसा है इस पीस ऑफ कोड के लिए, तब तक हम नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। और हम अपने प्रोजेक्ट में बहुत से काम थ्रेडिंग पे करेंगे, यानी कि क्योंकि अब थ्रेडिंग जो है काफी ज्यादा यूज होती है, कहाँ यूज होती है मैं आपको बताऊंगा उसका। क्वेश्चन मेरे लिए वॉइस क्लियर नहीं हुई कि कोई है, यानी कि क्लियर हुई हो किसी को वॉइस? नहीं, हमें भी नहीं हुई। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि भाई थ्रेड का जो कंसेप्ट है ये रिकर्जन में आता है? नहीं, ये रिकर्जन में नहीं आता। रिकर्जन में जब एक कंपाइलर चल रहा होता है वो एक ही चल रहा होता है, मतलब कि वो आगे हमने फंक्शन कॉल किया होता है वो उस फंक्शन पे चला जाती है उसी कंपाइलेशन, लेकिन उस फंक्शन पे जाने का मतलब ये नहीं कि पीछे वाली जो कंपाइलेशन है उसको छोड़ के वो, यानी कि उसको छोड़ के उधर जाता है। ये नहीं होता कि वो उधर फंक्शन कॉलिंग गई है और नीचे वाला फंक्शन भी कॉल हो रहा है या उसका नीचे वाला पार्ट भी कॉल हो रहा है। वहां पे हमें एक ही थ्रेड होता है, रिकर्जन में एक ही थ्रेड होता है। अभी हमने देखे ना कि जो एग्जांपल हमने ये देखी थी ये वाली, कि हमने दो थ्रेड कॉल किए थे तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे खुद इंडिपेंडेंटली चल रहा था, मेन थ्रेड अपनी जगह पे चल रहा था, ये जो थ्रेड स्टार्ट किया था इसकी अपनी कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई थी, ये जो स्टार्ट किया था इसकी अपनी कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब था एक टाइम पे हमारा कंपाइलर तीन कंपाइलेशन साथ साथ कर रहा था, जबकि रिकर्जन या किसी भी और चीज में ऐसा नहीं होता, वो सिंगल थ्रेड ही चल रहा होता है, एक मेन थ्रेड ही चल रहा होता है उसके अंदर। अच्छा, और कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अच्छा, इसको ना सेम बेसिक यही वाली एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करना है दोबारा अपने हाथ से, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ, यानी कि स्लीप अपने हिसाब से देना यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन एक से ज्यादा इंप्लीमेंट करना। अच्छा, अभी मैंने पीस ऑफ कोड यानी कि देखा था कि अगर मैंने यानी कि मल्टीपल थ्रेड बनाने हो, और ये मैंने एक थ्रेड बना लिए, चार तीन थ्रेड बनाए, तीनों थ्रेड को मैंने फंक्शन दे दिया, कौन सा फंक्शन देना है? मैं अपने केस में ये वाला दे देता हूँ, और इसको अब टाइम आधे सेकंड का कर देता हूँ, नहीं एक एक मिनट का ही कर, 1 सेकंड का। और इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। बस मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि कौन से थ्रेड पे ये चल रहा है ना, वो थ्रेड आईडी मैं वहां से पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्रेड नंबर, जो भी ये थ्रेड आईडी है इसका। और यहाँ पे भी एक स्पेस डैश स्पेस कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज जो है ना, मैं हर जगह क्या हो गया,
ये चीज मैं हर जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इससे शायद आपको और क्लियर हो जाए कि किस थ्रेड का कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये हो गया। और इसको भी मैं कह देता हूँ, थ्रेड आईडी नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा, इसे मैं कह देता हूँ मेन थ्रेड। अब इसका देखना है, इसको मैंने ये पास किया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया थ्रेड आईडी, और वो मेरा क्या है, आई है। अब हो गया। न्यू थ्रेड, सबडेट फाइल नंबर, तो नहीं हो रहा। वो थ्रेड एज ए एरे लिखा हुआ है भाई। अच्छा वैसे ही आएगा। नहीं ठीक है, ये यहीं से ही है, कॉपी पे हर अरे पे वो नया थ्रेड क्रिएट करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसका। यही लिखी हुई है इसकी, और ये प्रोग्राम के अंदर भी है। क्लास भी यही है, ये मेथड नेम एक्सपेक्टेड।
हाँ ये कर दिया। हाँ अच्छा। अच्छा यार समझ आ गया। ये कहना तो नहीं चाहिए, ये पता नहीं क्यों कह रहा है कि रिबिल्ड करके देख लो क्या एरर आ रहा है। नहीं, एरर तो वही आ रहा है, सिर्फ फंक्शन ही डिफाइन हो रहा शायद भाई ये मेथड की जो ब्रैकेट्स हैं इनको खत्म करके देखें। है यहां से। तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली मैंने डाटा भेजना है ना मेन। अच्छा ठीक है, ये मैंने थ्रेड बनाया और उसके अंदर ना मैंने थ्रेड आईडी भी पास कर दिया कि कौन से थ्रेड पे ये इस वक्त चल रहा है। ठीक है, वो आईडी वही है कि जो वो है उसको क्रिएट किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फॉर ईच और स्टार्ट ऑफ। ठीक है, और उस मेन वाला तो हमारा मेन चलेगा ही, मैं ऐसे रन करता हूँ। ये देख रहे हो किस तरह करके इसने, यानी कि पहले थ्रेड वन थ्रेड नंबर थ्री का ये चला। ठीक है, इसी तरह करके ये सारे इसमें आईडी थ्री गए हैं। क्यों मेन थ्रेड थ्रेड आईडी थ्री थ्री? हाँ, यहाँ पे एक लॉजिकल चीज है ना। एक्चुअली हुआ क्या कि जब उसने इस थ्रेड को कॉल किया ना, क्योंकि ये तो एकदम ही सारा चल जाता है ना, तो जब ये एकदम ही सारा चल गया, जो उसकी आखिरी वैल्यू थी वो वहां पे यहाँ पे पड़ी हुई थी। अब जब ये स्टार्ट जब तक आया ना, जब तक आई में थ्री हो चुका हुआ था। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेड वन थ्री इस तरह करके जो है ना, यानी कि असल में इसे हम कंट्रोल इसलिए नहीं अभी कर पा रहे क्योंकि फौरन ही ये स्टार्ट हो रहा है। अब इंशाल्लाह सही चलेगा।
ठीक है, थ्रेड जीरो चला, थ्रेड वन, थ्रेड टू चला, थ्रेड वन जीरो का ये आया, थ्रेड टू का आया, थ्रेड इस तरह करके जिस थ्रेड पे वो चल रहा है वो थ्रेड भी इधर आ रहे हैं। तो इस तरह करके जो है ना हम थ्रेड को कंट्रोल करते हैं कि कैसे, यानी कि ना किस थ्रेड के अंदर कोई क्या चीज चलनी चाहिए, तो वो हम इस तरह करके उसे मैनेज करते हैं। अब ये देखो, ये हमने क्योंकि थ्रेड नंबर भी यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो लाइन चली ये किस थ्रेड की चली है। अगर आप देखो हर थ्रेड की अपनी अपनी चल रही है, हर थ्रेड की अपनी अपनी चल रही है। और ये वाला क्यों इश्यू आ रहा था कि भाई यानी कि हर बार उसमें थ्री जा रहा था, क्या जा रहा था, क्योंकि जब तक ये स्टार्ट होता था ना उसने तो वो वाली वैल्यू उस वक्त की लेनी है ना, तो जब वो स्टार्ट होता था उस वक्त जब तक उसमें वो थ्री हो चुका हुआ होता था, क्योंकि ये लूप तो फौरन चल गया ना, तो इसलिए हर बार वो आईडी क्या शो कर रहा था, थ्री शो कर रहा था। तो मैंने क्या किया है कि उसको जैसे ही वो स्टार्ट हो उसको एक यानी कि कह लो कि 10 नैनो सेकेंड का या 100 नैनो सेकेंड का जो है ना उसको पाल्स आए, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टार्ट हो। तो इसलिए अब जो है ना वो कह लो कि थ्रेड आईडी जो है ना, क्योंकि जब तक ये जैसे ही ये स्टार्ट होगा ये स्टार्ट जीरो पे हो जाएगा, फिर ये दूसरा जो स्टार्ट होगा वन पे होगा वो, क्योंकि इधर पाल्स आ जाएगी ना उसको, फिर जो तीसरा स्टार्ट होगा वो किस पे होगा, टू पे होगा। तो इस तरह करके यानी कि थ्रेड जो है ना मिक्स अपना काम चला रहे थे, क्योंकि हर कोई एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, तो इसलिए इसकी कंपाइलेशन को देखना जो है ना बहुत ही टफ काम है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज यूज होती है ना एक, वो है मॉनिटर एंड कंट्रोल, सॉरी मॉनिटर एंड लॉग। ये काम दोनों ये एक ही करते हैं। ये लॉग क्या काम करता है, लॉग कहता है कि भाई जब इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये हमें एक डिफाइन करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को कि भाई इसने इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया है, ये इसको अनलॉक कब करेगा, जब ये इस लाइन को रीड करेगा। और ये जब तक लॉक रहेगा, जब तक जिस तरह ये इसमें है, ये लॉक लॉक पड़ा हुआ है इसमें, कोई और इस फंक्शन को कॉल करेगा ना टेक्स्ट लॉक को, वो यहाँ पे आके देखेगा लॉक हुआ हुआ है तो वो स्टॉप रहेगा वहां पे, कब तक, जब तक ये लॉक ओपन नहीं होता। सेम मॉनिटर भी ऐसे ही काम करता है। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर कहता है कि भाई ये जिस तरह ये हमारा पीस ऑफ कोड है ना, जब वो इसके अंदर जाने लगता है तो वो इसे कह देता है कि भाई इधर यहाँ पे ना मॉनिटर डॉट इंटर लगा दो। ठीक है, अब वो जो जितने भी यहाँ पे कॉल आएंगे वो इसको यहाँ पे रोक के रखेगा। ठीक है, जब वो इसको रोक के रखेगा, उसने ये लगाया ट्राई कैच के अंदर और उसके बाद लगाया फाइनली। ठीक है, जब ये फाइनली लगाया है तो उसने क्या किया है, इसको एग्जिट कर दिया, इस एक्स को एग्जिट कर दिया। अब जब ये एग्जिट हो गया तो जो यहाँ पे इससे इसके बाद फॉरन रिक्वेस्ट आई होगी वो इसके अंदर अब इंटर हो जाएगी। तो इस तरह करके जो है ना अगर हमारा थ्रेड के अंदर, अब ये जो हमारा फंक्शन था इसमें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा पीस ऑफ कोड लिखा हो जो कि एसेस कर रहा हो किसी फाइल को। हम ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो कोड है ना ये एक टाइम पे एक ही रन हो, ये वाला जो फंक्शन है ये रन थ्रेड में हो, लेकिन ये वाला जो कोड है ना ये एक टाइम पे एक रन हो, ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है। तो इसके शुरू में हम लॉक कर देंगे इसे, और जब ये लॉक खत्म होगा तो ऑब्वियसली इसके बाद जो थ्रेड आ रहा होगा वो इसे एसेस कर लेगा फिर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो आप क्लियर हुई है कि जो कि मुझे भी नहीं पता थी कि ट्राई कैच जो है ना कैच के बगैर भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, यानी कि ट्राई और सिर्फ फाइनली लगाए तो वो चीज पॉसिबल है, एरर एरर मिस्टेक नहीं है वहां पे, जबकि हम हमेशा यानी कि ट्राई कैच लाजमी लिखते थे। इसका हम जरा लॉग देख लेते हैं, मॉनिटर आप लोग इंप्लीमेंट कर लेना। ये मैंने इससे मैंने कॉल किया और ये टेस्ट लॉग को कॉल किया।
अब ये देखो सेम उसने थ्रेड बनाया, कितनी टाइम थ्रेड को कॉल किया, 10 टाइम कॉल किया है। इसको हम थोड़ा सा जो है ना 500 नैनोसेकंड कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो थोड़ा सा। पहले इसे जो है ना हम क्या करते हैं, विदाउट थ्रेड चलाते हैं, ओ सॉरी विदाउट लॉक चलाते हैं। देखो सारे सारे थ्रेड हमारे चले, एकदम चले और एग्जीक्यूट हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लॉक नहीं थे, हर कोई इस फंक्शन में इंटर हुआ, हर किसी ने अपने कोड को एग्जीक्यूट हुआ और वो बाहर चला गया। लेकिन अब हम लॉक करते हैं इसे, हम ये कहते हैं कि भाई एक अगर अंदर चला गया है तो उसके बाद ये लॉक हो जाए, और उसके बाद दूसरा अंदर जब ही जाए जब ये पिछला लॉक ओपन हो जाए। ठीक है, हर कोई उस फंक्शन के अंदर कब जा रहा है, जब पिछला लॉक खत्म हो रहा है। ठीक है, और अगर हमने यही काम बगैर लॉक के किया था तो क्या हुआ था, सारे ही उस फंक्शन के अंदर के सारों ने अपनी एग्जीक्यूशन की और सारे उस फंक्शन से बाहर आ गए। तो इस तरह करके जो है ना हम लॉक लगा देते हैं कि भाई लॉक लगा दिया। अगर जिस तरह भी हमने पिछली एग्जाम्पल ली थी कि यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर फाइल ओपन कर रहे हैं या डेटाबेस ओपन कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही जो है ना थ्रेड इसे एग्जीक्यूट करे, तो यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। ठीक है, और लॉक के बाद जो है ना वो दूसरा थ्रेड उसे एग्जीक्यूट करेगा, वरना अगर हमने ऐसा किया कि सारे एक टाइम पे एग्जीक्यूट करने लग जाए तो एक्सेप्शन आ जाएगी हमारे पास कि कनेक्शन इज ऑलरेडी ओपन की आ जाएगी, अगर फाइल यूज किया फाइल रेडी ऑलरेडी यूज की आ जाएगी, इस तरह करके। इसकी सीधी सी एग्जाम्पल ये है कि जब भी हम देखो ये वाली फाइल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली फाइल है, इसे मैं नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो फाइल है ये मेरे पास ओपन है, अब मैं एक और इसके ऊपर थ्रेड चलाता हूँ जो वो ये काम करता है कि इसको डिलीट करता है कर दी इसे डिलीट, तो ये किधर गई फिर? ये फिर बना दी, पता नहीं ऐसे क्या किया है। वो सेव नहीं की होगी ना शायद आपने। नहीं सेव की भी उठाई थी ना, डेस्कटॉप पे अच्छा सेव ही पड़ी हुई थी। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये अब एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है कि ये किसी और थ्रेड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इसे। तो इस तरह की चीजें अगर हमने मैनेज नहीं की होंगी अपने कोड में तो हमें इस तरह के एरर फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि थ्रेड का और इनका कॉन्सेप्ट है। अब सेम यानी कि लॉक मॉनिटर भी अपना वही काम करता है जो हमने लॉक के जरिए देखा है कि वो उसको मॉनिटर तक जब तक स्टॉप करके रखेगा तब तक हम उसे अलाउ नहीं करते, लेकिन लॉक में ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली उसे अलाउ हो जाता है। मीन टू से कि जब इस फंक्शन से ये वाली लाइन रीड करता है, वो ये वाली लाइन रीड करता है तो वो ऑटोमेटिकली इसे अलाउ हो जाता है। ठीक है, जिस तरह अगर आप इसे यू करते हैं, इसे कह देते हैं रन थ्रेड। इसे कह देते हैं एंड थ्रेड। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, पहले वो रन हुआ, वो वाली चीज रन हुई फिर एंड हो गया। लेकिन अगर इसको हम लॉक के बगैर करते हैं अगर, तो सारे एक ही टाइम पे आएंगे, सारे अपने हिसाब से चलेंगे और अपने हिसाब से देखिए देखो सबने एकदम ही एग्जीक्यूशन कर दिया अपनी। ठीक है, तो लॉक से ये होता है कि वो जब तक लॉक रहता है तब तक वो इसके अंदर से नहीं निकलता। और लॉक और मॉनिटर में ये फर्क है कि हम अपने यानी कि लॉक जो होता है वो इस ब्रैकेट के अंदर को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि मॉनिटर पे हमें खुद बताना होता है इसे। जिस तरह ये इंटर हो गया, पिछला
पीस ऑफ कोड हमारा रन हो, कुछ भी रन हो, आगे फंक्शन कॉल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमें से खुद बताना होगा हाँ भाई हम एग्जिट कर रहे हैं, जो कोई और दूसरा है तो थ्रेड वो इसमें आ जाए। तो ये चीज आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करना मॉनिटर और लॉक वाली, लेकिन उससे पहले थ्रेड इम्प्लीमेंट करना, ये लॉक को दोबारा इम्प्लीमेंट करना, और ये फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल पे आना, ठीक है। तो ये हमारे सारे थ्रेड के कंसेप्ट थे। अब इसमें जो लास्ट कंसेप्ट रह गया ना वो ये वाला है। एक्चुअली ये जो एसिंक और टास्क है ना, ये सेम थ्रेड है जो हमने सीख ली है सेम, लेकिन आई थिंक ये विजुअल स्टूडियो 2012 में जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि बजाय आप थ्रेडिंग यूज करो ना, आप फंक्शन के साथ जो है ना ये चीजें यूज करो। ये चीज क्या है कि जब आप फंक्शन को एसिंक बना दोगे ना, एसिंक टास्क बना दोगे, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली थ्रेडेबल बन जाएगा, यानी कि आपको थ्रेड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ना उसको कंट्रोल इस लिहाज से करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप प्रॉपरली उसको मैनेज करो, पहले ये थ्रेड चले फिर ये वाला थ्रेड स्टार्ट हो, जो अभी अभी तक हमने किया है। ये देखो ये जो अभी तक हमने किया है, ये इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो हमने किया था कि खुद हम थ्रेड बना रहे हैं, खुद उस थ्रेड को फंक्शन पास कर रहे हैं, उस फंक्शन को पैरामीटर पास कर रहे हैं, जिस तरह भी हमें प्रॉब्लम आई थी कि यानी कि पैरामीटर कैसे पास करना है फंक्शन को, वो प्रॉब्लम आई थी, इसी तरह करके ये इन्होंने ना हमारे लिए आसानी कर दी थी कि भाई आप लोग जो है ना सिर्फ फंक्शन के साथ आप ये चीजें लिख दो, एसिंक और टास्क, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिकली थ्रेडेबल बन जाए, यानी कि जब ये मेथड वन कॉल होगा ना इधर से, वो वेट नहीं करेगा कि ये वाली कॉल वापस आएगी तो मैं मेथड टू एग्जीक्यूट करूंगा, वो डायरेक्ट मेथड टू एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। वैसे तो ये एग्जाम्पल आप लोग खुद करना, लेकिन मैं सिर्फ अभी बता देता हूँ अगर कोई हर्डल ना आई तो। ये मैंने एक फंक्शन कॉल की एसिंक टास्क के जरिए, सेम थ्रेड वाले कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थ्रेड वाले सारे कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख के फिर इसको इम्प्लीमेंट करना। और एक मैंने मेथड टू है, ये इसके अंदर सिर्फ वेट है लेकिन इसके अंदर थ्रेड नहीं लगा हुआ, ठीक है। आप देखो इसके अंदर एसिंक है, टास्क है, यानी कि ये थ्रेड बेस्ड फंक्शन है, ये वाला विदाउट थ्रेड बेस्ड फंक्शन है। मैंने इन दोनों फंक्शन को कॉल किया, देखो अगर ये थ्रेड बेस्ड ना होता तो पहले पूरी एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट होती, फिर फंक्शन टू कॉल होता, मेथड टू कॉल होता और इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती। क्योंकि ये अब थ्रेड बेस है तो ये इसके रिटर्न का वेट नहीं करेगा, क्योंकि एक और थ्रेड स्टार्ट होके ये चल रहा है ना, तो ये इसको चलाएगा और इसका जो है ना यानी कि इसको भी साथ ही एग्जीक्यूट कर देगा। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब इसको मैं रन करता हूँ। समझ आ रही है कि उसका मेथड वन भी चल रहा है, टू भी चल रहा है, साथ साथ जो भी यानी कि इसमें है वो दोनों इसके अंदर चल रहे हैं, यानी कि उसने मेथड वन के पूरे कॉल होने का वेट नहीं किया, देखो बीच में उसने मेथड टू ये भी कॉल किया, यानी कि क्योंकि कंपाइलेशन को हम समझ नहीं ना सकते, क्योंकि यहाँ पे तो उसने लाइन बाय लाइन वो करना है ना, राइट करना है, तो वो चीज हम नहीं देख सकते। लेकिन ये चीज देखो कि आप जैसे ही उसने मेथड वन कॉल किया वैसे ही उसने मेथड टू को भी कॉल कर दिया, ठीक है। और इसकी एग्जीक्यूशन मिक्स इसलिए हुई है क्योंकि वो उसकी भी लाइन को रीड कर रहा है, इसकी भी लाइन को रीड कर रहा है, तो इस वजह से जो है ये मिक्स हो गया। लेकिन देख कहने का मतलब मेरा ये है कि विदाउट यूज थ्रेड क्लास या विदाउट यूज थ्रेड वेरिएबल हमने क्या किया, थ्रेड की फंक्शनैलिटी को अचीव कर लिया, और बेसिकली जहां पे आपको एसिंक टास्क मिले इसमें तो वो एक तरह का थ्रेड फंक्शन है, उसके लिए हमें थ्रेड लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट फंक्शन भी कॉल करेंगे ना वो डायरेक्ट थ्रेड बेस ही बनेगा फंक्शन। जब ये वाला फंक्शन, जब भी हमारे पास एसिंक टास्क का फंक्शन कॉल होगा वो वेट नहीं करेगा उसके रिस्पॉन्स का, वो अपने नए नए वाले को कॉल भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ तक था पूरा थ्रेड का, हो सकता है इसमें आप लोगों को स्टिल कंफ्यूजन हो, अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियोस देखना अपने तौर पे, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है थ्रेड कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो अच्छी हो तो वो रिकमेंड भी कर देना बाकियों को, ठीक है। बाकी इसका मेन कंसेप्ट यही है थ्रेड का, और जब ये थ्रेड इम्प्ली क्योंकि इतना ज्यादा ये यूज नहीं करते, लेकिन जब भी यूज करना है ये सारे
जो कंसेप्ट है या आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, ठीक है, तभी जो है ना आप लोग एक सक्सेसफुल थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर ये कंसेप्ट नहीं माइंड में होंगे, कौन सा कैसे चलेगा, उसके रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, लॉक कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, किस लाइन को हमने लॉक करना है, किसको यानी कि हमने विदाउट लॉक करना है, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के पास होने चाहिए। तो ये चीजें पास होंगी तो आप लोग जो है ना सक्सेसफुल एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाओगे जो थ्रेड बेस्ड होगी। तो ये जो है ना सारा थ्रेड का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछ लो, वरना जो है ना आज यानी कि आप लोगों का यही टाइम है कि इसके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, ठीक है, और कोई अच्छी वीडियो जिसमें और अच्छे से यानी कि ग्राफिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया गया हो तो वो जो है ना रिकमेंड भी करो फिर बाकियों को। और बाकी एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली भी एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करो मॉनिटर और उसकी, और ये वाली भी इंप्लीमेंट करो, और थ्रेड की जो है ना मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आई थिंक वो हमने ये फॉलो की है, इसको भी इंप्लीमेंट करो अपने पास, ताकि जो है ना हम लोग बिल्कुल हमारा कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए कि भाई क्या यानी कि थ्रेड होता है और कैसे चलता है। ठीक है, तो यही बस थ्रेड में यही चीजें थी सारी। ये मेजरली एसिंक यूज होता है या थ्रेडिंग ज्यादा यूज होती है? अब एसिंक यूज होता है और हम करेंगे भी, प्रोजेक्ट में भी करेंगे हम ये। असल में ये जो एसिंक आया ना, ये थ्रेड को खत्म करने के लिए आया ना, क्योंकि पहले लोग थ्रेड ही बनाते थे, ये वो इस तरह करके करते थे, ठीक है, तो अब उन्होंने कह दिया कि बजाय आप थ्रेड बनाओ ना, अब आप एसिंक उस फंक्शन जिसको थ्रेड बनाना है उसको आप एसिंक डिक्लेयर कर दो। लेकिन यहाँ पे ना एक नुकसान है, वो नुकसान ये है कि अगर हमने एसिंक फंक्शन बना लिया और कल को हमें जरूरत पड़ गई कि यार वो इस बार जो है ना वो फंक्शन एज अ थ्रेड कॉल ना हो, तो क्या करेंगे, विदाउट एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही फंक्शन हमने थ्रेड बेस कॉल किया होगा वो तो नॉर्मल फंक्शन होगा ना, तो नॉर्मल फंक्शन जब थ्रेड विदाउट थ्रेड बेस होगा तो वो ऑब्वियसली उसे विदाउट थ्रेड कॉल कर लेंगे, अदरवाइज उसको थ्रेड के अंदर डिक्लेयर करके फिर उसको कॉल करेंगे। जबकि अगर फंक्शन ही हमने एसिंक बनाया हुआ है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे अनथ्रेड बेस कॉल कर सके। फिर उसकी यही ऑप्शन है कि ये फंक्शन का जब तक रिस्पॉन्स नहीं ना आता, उसकी ये ऑप्शन इन्होंने दी है ये कि अवेट करे इस फंक्शन का, ठीक है, तो जब तक ये इसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये यहाँ पे वेट करता रहे, जैसे इस फंक्शन का रिस्पॉन्स आएगा तब ये अगला कॉल करे। अब ये मुझे समझ आ गया कि ये अवेट का इसे क्यों कह रहा है, इसको अवेट करने के लिए इस फंक्शन का थ्रेड बेस होना जरूरी है, तभी ये अवेट इधर चलेगा, अदरवाइज अवेट इधर नहीं चलेगा। जिस तरह के अवेट इसमें चला हुआ है लेकिन इसमें नहीं चल रहा, इसको अगर हम थ्रेड बेस कर देंगे मेन टू से, इसको अगर हम मूव कर देंगे तो ये वाला जो एरर है ये खत्म हो जाएगा हमारा। लेकिन क्योंकि ये मेन फंक्शन है ये अवेट बनेगा नहीं, नहीं बन गया, ठीक है, अब देखो ये वाला फंक्शन खत्म हो गया। लेकिन अब एक और मसला यहाँ पे पैदा हो गया कि हमारा मेन फंक्शन है वो थ्रेड बेस बन गया और उसमें हमें ये नहीं थ्रेड बेस चाहिए, तो ये सारी चीजें ना हमें मैनेज करनी पड़ती हैं आपको। और कोई क्यूरी? अच्छा शोएब ये पूछना था कि कंपाइलर एक टाइम में एक काम कर रहा होता है, तो ये किस तरह टाइम सेव हाँ करते हैं हम इस थ्रेडिंग से? हाँ फिर वो कंपाइलर दो काम करने लग जाता है ना, जितने थ्रेड उसको हम देंगे उतने वो यानी कि काम करने लग जाएगा। वो हमने पहली पिक्चर देखी थी ना कि एक टाइम पे एक इस वक्त में एक ही काम कर रहा है, लेकिन जितने हम ज्यादा थ्रेड बना देंगे, जब भी हम थ्रेड ज्यादा बनाते हैं ना तो मेमोरी और सीपीयू वो शेयर्ड हो जाता है, अगर ये पिक्चर यहाँ पे हो। ये हमारे पास एक थ्रेड में काम हो रहा है, ठीक है, जितने हम थ्रेड ज्यादा बनाते रहेंगे ना तो मेमोरी और क्या सीपीयू, ये सीपीयू है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये आपस में क्या होते रहेंगे, अलग अलग बनते रहेंगे। इस असल में इसको समझना इसलिए तो मुश्किल हो रहा है, कंपाइलर के लिए जॉब क्रिएट हो रही है ये ज्यादा, यानी कि पहले एक जॉब थी वो लाइन बाय लाइन उसे चला रहा था, चला अभी भी वो लाइन बाय लाइन रहा है, लेकिन क्योंकि उसको एक और जॉब क्रिएट हुई, एक जॉब को लाइन बाय लाइन चला रहा है, जॉब ए को भी लाइन बाय लाइन चला रहा है, जॉब बी को भी लाइन बाय लाइन चला रहा है, वो किस कौन सी लाइन किस वक्त चल रही है ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चला रहा है
तो इस वजह से हमें जब आउटपुट में आ रहा है तो मिक्स सारा डाटा आ रहा है इकट्ठा होके। क्यों? क्योंकि हमने उसकी जॉब को डिवाइड कर दिया। सेम लाइक रेस्टोरेंट वाली जॉब ना, अगर हम एक वेटर को एक ही जॉब दे के रखें कि भाई तू डेलीगेटेड है एक ही जॉब के लिए, तूने दूसरी जॉब स्टार्ट ही नहीं करनी जब तक तेरी पहली जॉब क्लियर नहीं होगी, तो इस तरह करके कितना टाइम उस वेटर का लगेगा। लेकिन अगर हम उसे ये कहते हैं भाई तू जैसे जैसे जॉब करता जा रहा है अपना नेक्स्ट नेक्स्ट काम जो है ना तू करता रहे उसके अंदर। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि बजाय एक टेबल से वेटर जो है वो ऑर्डर लेके किचन तक जाए, वो दूसरे टेबल से भी वेटर ले लेते हैं कि एक ही बार मैं जाऊंगा अंदर। वो काम क्या है कि सेम टाइम पे वो एग्जीक्यूशन कर रहा है अपनी सारी। तो इसलिए जो है ना, इसलिए हमें जो आउटपुट शो हो रही है ना वो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसे कह दिया कि भाई इतनी जॉब तो बना ले अपनी। थ्रेड बनाने का मतलब है कि इतनी जॉब उसकी बन गई। अब वो जब वो जॉब बनेगी वो एग्जीक्यूट हो रही होगी लाइन बाय लाइन, तो वो इसलिए हमें जो है ना उसके वहां से आउटपुट की जो है ना सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। काम जो कंपाइलर का जो फीचर है लाइन बाय लाइन का, वो स्टिल लाइन बाय लाइन रहेगा, लेकिन उसका हमने जो है ना सीपीयू वो डिवाइड कर दिए कि भाई तू भी काम कर, तू भी काम कर, तू भी काम कर, ये हमने कह दिया उससे। अब सेम यही काम हमने यहाँ पे भी किया है। अभी हमने कहा है कंपाइलर जब ये वाला फंक्शन कॉल करे ना, एक और कंपाइलर एक और प्रोसेस मिल जाए उसे, वो कॉल करे इसे, और ये वाला फंक्शन सेम उसी तरह चलता रहे मेन में, यानी कि मेन कंपाइलर पे। तो इसलिए इसने इसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया कंपाइलर ने, क्योंकि उसे पता है कि भाई इसने अलग से एग्जीक्यूट होना है। उसने इसका वेट नहीं किया और इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और कोई क्यूरी है तो हम मीटिंग रिक्वेस्ट दोबारा भेज लेते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप कर देते हैं इसे। चलो ठीक है, फिर खुद अपनी प्रैक्टिस करो आज इंशाल्लाह, तो ये कॉन्सेप्ट समझने की और ज्यादा डीपली जो है ना समझने की कोशिश करो इसे। ठीक है।